काय काय झालं का सीट लागत नाही काढून टाकायचं ब्रो नाही येऊ शकत सॉरी आता होईल आता होईल झाली झाली चल 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 चलो ए क्या सगळ्यांनी फ्युलिंग केली कि मेरे पीछे के टायर में ना हवा कम लग रही है थोड़ी। आसमान वैसे साफ है, होपफुली बारिश नहीं होनी चाहिए। तो मनीष के साथ जो है ना समीर के दोस्त है, तो मनीष एंड समीर के दोस्त आगे जा चुके हैं क्योंकि हम लोग को एयर फिल करवानी थी, तो अभी उनको चेस करने का ट्राई कर रहे हैं। भाई बहुत आगे निकल गए शायद फ्लाई बाय साड़ी। गाइस यहाँ पे चल रहा है हमारा फोटोशूट, एक 5 मिनट का ब्रेक लिया है। ये रही हमारी जारवस। तो अभी फिलहाल लीड कर रहा है मनीष एंड मनीष के पीछे बैठा है समीर का दोस्त। ड्यूक लेके आया है, वो भी समीर का दोस्त है। एंड भाई क्लाइमेट डे के ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज अभी का जो टाइम हो रहा है 8:45 हो रहा है एंड हम लोग ने मुरबाड़ क्रॉस करके कुछ 5-6 किलोमीटर हो गए। तो यहाँ पे एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है। ये रहा भाई निखिल, अमोल भाई एंड यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं। भाई तुझे नाम? सौरभ। सौरभ भाई, भाई आपका नाम? अनिकेत। ये हमारे भाई सैम ब्रो, हड्डी ओके। तो अभी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया है, तो यहाँ पे अभी चाय नाश्ता करेंगे एंड निकलेंगे। यहाँ से जो माचिस घाट है वो है 45 या 50 समथिंग, वो रहा सामने। अगर जस्टिफाई कर पा रहे हो तो वो रहा सामने दिख रहा है माचिस घाट। आज की जो हमारी राइड होने वाली है माचिस घाट की होने वाली है। एंड और एक प्लान था हमारा लोनावाड़ा का, लेकिन लोनावाड़ा कैंसिल हो गया। तो गाइस यहाँ पे हमारा चाय आ चुका है। समीर पहले जहाँ पे रुके थे हम लोग, नाश्ता कैसा लगा वहाँ? भाई कुछ भी अच्छा नहीं है। समोसा ना, कचौरी जैसा होता है ना समोसा, वैसा समोसा पोलियो हो गया था समोसा। अभी इधर बेस्ट की है, थोड़ा चाय पीएंगे, आगे देखते हैं मार्चेस घाट में कुछ मिला तो। चलो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी यहाँ से ना थोड़ी देर पहले बहुत सारे राइडर्स गए एंड बहुत सही लाइनअप था उनका। सो देखेंगे उनको चेस कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो वैसे भी आगे मिल ही जाएंगे। सो चलो भाई हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से। एंड भाई सबसे बढ़िया चीज़ एक ये हुई कि क्लाइमेट देखो ना यार, मतलब पूरा आसमान साफ है, देखो सिर्फ सूरज दिख रहा है एंड आगे थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं। एंड भाई लास्ट टाइम यहाँ पे मैं रुका था गोप्रो की सेटिंग करने के लिए, बारिश हो रही थी तभी। चल तो मनीष अपनी बाइक नहीं लेके आया, मनीष अपने स्कूटी लेके आया क्योंकि हर संडे को उसकी बाइक बिजी रहती है, उसके पापा लेके जाते हैं। अभी फिलहाल वो एक्टिवा पे राइड कर रहा है। तो घर से निकल के हम लोग ने टोटल क्रॉस किए 55 किलोमीटर्स एंड वहाँ से जैसे और 45 किलोमीटर्स है एंड रोड काफ़ी सही है यहाँ का। एक्चुअली समीर बोल रहा था कि बदलापुर होके जाते हैं, लेकिन भाई बदलापुर से ना एक दिक्कत है, जो 12वीं हिल्स के पास जो रोड आता है ना बहुत ही ख़राब रोड है, कंडीशन बहुत ख़राब है रोड की, तो इसलिए वहाँ से कैंसिल किया एंड इस रूट से जा रहे हैं। एंड इस रूट पे ना भाई लिटरली बता रहा हूँ कम से कम हम लोग ने ना 15 से 20 राइडर्स देखे जो राइड कर रहे हैं माचिस घाट के लिए। तो आगे जाके हम लोग को बहुत सारे राइडर्स मिलने वाले हैं। जाली 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 गाइज मेरे सामने का सीन देख सकते हो आप। अभी गोप्रो में ना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई जो सामने से मैं देख रहा हूँ ना भाई, मतलब पैसा वसूल है यार। दोनों साइड में जंगल, बीच में रोड एंड जो रेज आ रही है ना सूरज की, ओ हो हो भाई साहब। अरे सगीकडे ओवरटेक कशाला करतोय? अभी ना निखिल बहुत जगह पे ना ओवरटेक कर रहा है, अभी बस के बीच में ही आ जाता था लिटरली। और मेरे सामने ये जो देख रहे हो ना, ये सह्याद्री माउंटेन्स है और काफी खूबसूरत लग रहे हैं यार। तो गाइज यहाँ से माचिस घाट जो है 10-15 किलोमीटर है एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो माचिस घाट। यहाँ पे सब रुके फोटोज निकालने के लिए एंड क्लाइमेट देखो यार काफी तगड़ा हुआ है भाई। क्लाउड्स देखो क्या सही लग रहे। तो अभी मेरी यहाँ पे एक वीडियो पोस्ट हो रही है, ये वीडियो आने के पहले वो आ चुकी होगी। सो जाओ एंड लाइक कर दो। अभी मैं फटाफट शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना नेटवर्क का इशू चल रहा है। सौरभ को लग रहा है मेरा हेलमेट जो है गोप्रो का है,
बिकॉज मैंने GoPro का स्टिकर वहाँ पे लगाया है। मैंने अभी बाइक स्विच की है, अमूल की बाइक मैंने ली है एंड मेरी बाइक अभी समीर चला रहा है एंड उसके पीछे अमूल बैठा है। वैसे RC मैं इसके पहले भी चला चुका हूँ लेकिन ड्यूक पहली बार चला रहा हूँ। भाई मज़ा आ रहा है यार, ये बाइक जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रही है। बस कॉर्नरिंग में थोड़ा बहुत डर लग रहा है मुझे। तो भाई इस बाइक में ना 26 की एवरेज बता रही है अभी फिलहाल। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं मासेज घाट के। तो निखिल कैसा लग रहा है भाई मासेज घाट पहली बार आके? मजा आ गया, रास्ता मस्त था। और मनीष इधर खड़ा है, मनीष का भाई अपना फोटोशूट चालू है। अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके आगे भी जाएंगे एंड वहाँ पे भी रुकेंगे। समीर कैसा लग रहा है भाई पहली बार आके? बोल जल्दी, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बोलेगा यार, क्लाइमेट थोड़ा वेदर अच्छा नहीं है, हाँ धूप है, लेकिन राइड के लिए मजा आ रहा है। अच्छा चलो। तो भाई अभी का जो टाइम हो रहा है 10:20 हो रहे हैं एंड हम लोग भाई देखो कहाँ पे बैठे हैं, पूरे लाइन से बैठे हैं, सामने व्यू एंजॉय कर रहे हैं। गाइस मजा आ रही है, यप एकदम बढ़िया, खतरनाक गाइस। विजिट विजिट मारो मार्चेस घाट और कैफे में डालो। खुद पहली बार आ रहा है और दूसरों को बता रहा है कि कुछ घंटा के सब्सक्राइबर मिलते हमें, कैमरे में बैटरी डाउन था इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग ना अभी हेलमेट सेल्फी निकाल रहे हैं ना, भाई हमारा फोटो निकाल रहा है। वहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम पास हो गया, बहुत बहुत टाइम वेस्ट गया, बहुत सारे फोटोज निकाले वहाँ पे। अभी आगे जा रहे हैं हम लोग, आगे भी एक पॉइंट है वहाँ पे रुकेंगे एंड होगा पॉसिबल तो उसके आगे भी जाएंगे जो लेक है वहाँ पे। तो गाइज अभी हम लोग वहाँ पे रुके थे एंड अभी हम लोग टनल के अंदर जा रहे हैं। तो ये रही टनल, एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं। ओहो भाई साहब, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जो आगे लेके वहाँ पे जाएं एंड वहाँ से आते वक्त जो है ये वाले स्पॉट पे रुके, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी भीड़ थी। हम लोग ने वहाँ से थोड़ा नाश्ता किया, चाय पिया एंड निकले। तो 100 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मासेज घाट के आगे जो लेक है। वो वहाँ पे जो है ना बहुत सारे राइडर्स खड़े हैं एंड यहाँ रोड पे भी बहुत सारे राइडर्स हैं। अभी फिलहाल पानी जो है ना फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना तो पानी यहाँ तक आ जाता है एंड बहुत सही लगता है ये व्यू, लेकिन अभी देखो ना पूरा सूखा हुआ है। तो भाई साहब मेरे सामने ये व्यू देखो आप, क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हम लोग ने बाइक खड़ी की है फिलहाल, ये व्यू एंजॉय करो गाइस। यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स ऑलरेडी है। हम लोग भाई साहब दलदल में फंस चुके, शिट। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लेक के यहाँ पे। निखिल मजा आ रहा है ब्रो? एंजॉयिंग, तो दिख भी नहीं रहा है ब्रो। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे एंड निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, धूप बहुत है भाई। मालशेज घाट किसके साथ? समीर के साथ। बोले वो किधर है मालशेज घाट? बोलते पनवेल। A few moments later. Guys, अभी का जो टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 रहे हैं। घर से निकल के हम लोग ने टोटल क्रॉस किए हैं 111 किलोमीटर एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न घर पे। तो घर पे जाते जाते हम लोग कुछ खा लेंगे एंड भाई आज संडे ना तो काफ़ी सारे राइडर्स आए हुए हैं, सो मज़ा आ रहा है काफ़ी राइड करने के लिए। तो कल्याण यहाँ से 85 किलोमीटर है एंड भाई मेरे सामने ये पहाड़ देखो ना आप। भाई सुबह से क्लाइमेट जो है ना ऐसा ही है, हम लोग को लगा एटलीस्ट थोड़ी तो भी बारिश हमें मिलेगी लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत बारिश होती ना भाई मज़ा आ जाता। तो गाइस पूरे राइड में हम लोग को बारिश नहीं मिली एंड अभी हम लोग घर पे जा रहे तो एक एक बूंद अभी आ रही है, जाते वक्त अभी पक्का बारिश होगी। तो गाइस ये निखिल का एक्शन कैमरा है, अभी निखिल भी यूट्यूब चैनल खोलने का सोच रहा है। नाम क्या रखने वाला है चैनल का? मलंगड़कर निखिल। ओ भाई साहब मलंगड़कर निखिल। A few moments later. ऑलराइट सो गाइस अभी का जो टाइम हो रहा है 1:35 हो रहे दोपहर के एंड यहाँ पे बारिश हो रही तो इसलिए हम लोग रुके थे सारा चाइनीज कॉर्नर, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। सो अभी यहाँ से खाएंगे थोड़ी देर में एंड निकलेंगे घर पे। तो वहाँ पे बाइक पार्क की है मैंने एंड हमारे सारे भाई लोग यहाँ पे बैठे अभी खाएंगे, ऑर्डर आ रहे हैं। भाई चैनल सब्सक्राइब करा।